प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिवों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से राजस्थान में संख्या पहुंची है और अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां पर हमारे संवाददाता लोकेश ओला मौजूद है। जी लोकेश, लगातार पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट आ चुकी है, क्या कुछ अपडेट है प्रदेश को लेकर? जी बिल्कुल, लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और आज 2 बजे तक कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में 118 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2556 हो चुकी है, जो बड़ी गंभीर स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। जोधपुर में आज 83 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जोधपुर में अब 496 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। जयपुर में बात करें तो जयपुर में आज 21 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 899 कोरोना पॉजिटिव की संख्या जयपुर में हो चुकी है। वहीं आज बात करें तो जयपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, साथ ही साथ में एक नागौर की महिला की मौत हो चुकी है, साथ ही चित्तौड़ में भी एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। बात करें तो जिलों की तो जिलों में भी आज एक 12 में कोरोना पॉजिटिव सामने आया है और उसके बाद में अब 29 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ऐसे में 4 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया, जो एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ 3 और जिलों में अब 0 कोरोना पॉजिटिव है, यानी कि वहां पर एक भी एक्टिव केस नहीं है। बीकानेर, चूरू और जो बात करें दौसा में एक भी जो एक्टिव केस है वो अब नहीं है, जो एक रात भरी खबर कही जा सकती है। इस तरह से बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जांच कैपेसिटी भी लगातार अब बढ़ती जा रही है और अब 8000 प्रतिदिन जांच कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है, जिसमें बात करें तो अब तक प्रदेश में करीब 1 लाख से अधिक जो कोरोना के जो सैंपल है वो लिए जा चुके हैं, जिनमें 96000 से अधिक की नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि 4000 के करीब जो सैंपल ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही चिकित्सा विभाग ने गंभीरता से जो जांच कैपेसिटी है वो बढ़ा रही है। साथ ही साथ जो अच्छी खबर ये है कि करीब 900 के करीब ऐसे जो केसेस हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है, यानी कि 1/3 ऐसे जो पेशेंट है जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जो एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ जयपुर की बात करें, जयपुर में भी लगातार जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव होने बड़ी संख्या में हो रहे हैं, तेजी से जो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है वो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। लेकिन जो जांच कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर सैंपल रैंडम सैंपल की जो कलेक्शन की है दायरा वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के जो जयपुर जोधपुर के साथ साथ जो अन्य मेडिकल कॉलेजों में लगातार जांच कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। टीबी की जो जांच करने वाली मशीन है उससे भी अब जो प्रदेश में जांच कोरोना की वो की जा रही है। ऐसे में जांच कैपेसिटी बढ़ना एक अच्छी खबर है, क्योंकि कोरोना की जितनी अधिक जांच होगी उसी में उतने ही केसेज अधिक सामने आएंगे, जो एक अच्छे हैं, क्योंकि जितने अधिक केसेस सामने आएंगे उससे ये पता लगा जा सकता है कि स्थिति का कि कितने अब पॉजिटिव हैं और कितने किस तरीके से अब जो प्रदेश में है जांच दायरा बढ़ाया जाए और किस तरह से जो चिकित्सा सुविधाएं आगे बढ़ाई जाए और किस स्थिति में अब प्रदेश कोरोना के संक्रमण को इलाज में अब प्रदेश अपना भूमिका निभा रहा है। जांच कैपेसिटी अधिक हो रही है तो ये एक इस जांच का दायरा है वो अधिक होगा और प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकेगा। जी प्रदेश के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव राजधानी जयपुर में है और उसके बाद चिंता की बात जोधपुर के लिए है। जोधपुर से बड़ी संख्या में पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। जयपुर की बात करें तो पहले परकोटा क्षेत्र केवल चिंता का विषय था, परकोटा क्षेत्र को सील किया गया था, महाकर्फ्यू की वहां पर प्लानिंग की गई थी, लेकिन अब चिंता बढ़ गई है। परकोटे के बाहर भी एक बड़ा परकोटा बन चुका है जिसमें हर क्षेत्र में पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है, किस प्रकार से चिकित्सा महकमा इस समस्या से लड़ने के लिए अलर्ट है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी है।